हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। पिछले 10-15 दिनों से, इनफैक्ट रिजल्ट जब से आया तब से लेके अभी तक रोज मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दुष्यंत सर, कंपनी लॉ के पेपर का कुछ बताइए। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ, चाहे नया सिलेबस हो या फिर ओल्ड सिलेबस हो, कि दुष्यंत सर हम कंपनी लॉ के पेपर में स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे बच्चों कंपनी लॉ में अगर आपने क्लासेस करी हैं, देखिए मैं बताता हूँ सेल्फ स्टडी से भी कैसे आप स्कोर कर सकते हैं और क्लासेस के थ्रू भी आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने कंपनी लॉ की क्लासेस करी हैं तो बच्चों सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे कंपनी लॉ की क्लासेस बच्चों कभी खत्म ही नहीं होती, इतना सिलेबस है। मेरा ही क्लास लगभग 200 घंटे का हो गया है अभी तक रिकॉर्ड कर करके, जो बच्चे हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और क्लास में एक एक प्रोविजन खत्म होना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि भाई यू शुड डू, आपकी जो क्लास है दैट शुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास, नंबर वन। ठीक है, तो बच्चे ये मैं, अच्छा तो ये जो बच्चे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इवन सेल्फ स्टडी करते हैं आप, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। आपको बस क्या करना है, पूरी आईसीएसआई की मॉड्यूल एकदम अच्छे से पढ़नी है। बस अभी तो मैं पढ़ने के बारे में बात करूँ, एकदम अच्छे से पढ़नी है, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट प्रोविजन जो है, शैल कहाँ पे लिखा हुआ है, विद इन 21 डेज, नॉट लेस देन 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज। आज ही मैं कुछ ऑडिट का प्रोविजन पढ़ा रहा था जिसमें मेरा ओपिनियन कुछ और था, आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर्स का ओपिनियन कुछ और था। मतलब कहने का मतलब ये कि आप एकदम माइन्यूट से माइन्यूट प्रोविजन का ध्यान रख के पढ़िए। ठीक है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं और जो बच्चे क्लास लगाए हुए हैं वो इंश्योर करें कि उनकी जो कोचिंग क्लास है वो कंपनी लॉ एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर करती हो। ठीक है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, तो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज होता है राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे कंपनी लॉ में इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको कंसेप्ट तो आता है बट शायद वो एग्जाम में लिख नहीं पाते। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही चीज करनी है, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं तो उनके कोचिंग क्लास में के जो टीचर्स हैं मेरे ख्याल से रोज एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व करवाते ही होंगे। और डेफिनेटली जैसे हम लोग अपनी क्लास में ये मेंटेन करते हैं कि कम से कम दिन में एक दो क्वेश्चन लिखवाएं। अब उसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, खुद से आंसर लिखवाता हूँ, फिर धीरे 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 जैसे 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 स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ और फिर मैं स्टेप लिख के देता हूँ कि स्टेप में ये लिखना, टू लिखना, थ्री में ये लिखना। तो आप वैसी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चों आप अगर हो सकता है आपकी क्लास में किसी और तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हो तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आप आईसीएसई की वेबसाइट से मिल जाते हैं। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आपने शेयर कैपिटल आज पढ़ा तो क्या कीजिए, इंस्टीट्यूट के पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, या सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें देखिए शेयर कैपिटल अपने जो भी सेक्शन 20, 21 से लेके 22, 21 से लेके जो भी, या जो भी अपना सेक्शन 23 से लेके जो भी आई थिंक सेक्शन 72 तक जो भी प्रोविजन है, 71 डिबेंचर का है, 72 नॉमिनेशन का है, तो वहां तक जितने भी प्रोविजन है वो आप सब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाइए, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिटेल में वो क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आदत डालिए कि रोज एक दो क्वेश्चन आप देखते रहे। जैसे आज आपने शेयर कैपिटल, डिबेंचर, चार्जेस, डिपॉजिट पर 4 चैप्टर पढ़े हैं आपने, शाम को क्या कीजिए आईसीएसआई के 4 पेपर निकालिए, ज्यादा नहीं, 4 पुराने 4 पेपर निकालिए, देखिए पुराने 4 एग्जाम में इन चारों से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिए, क्वेश्चन रीड कर लीजिए अच्छे से और उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए आपके अगर, और आंसर बच्चों डेफिनेटली आपको मॉड्यूल में मिलेगा। मॉड्यूल भी छोड़ दो, आप अपने हिसाब से आंसर लिखो और आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर से चेक करो। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप इज कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और कैसे शुरू कीजिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद चैप्टर का जो आईसीएसआई के सजेशन आते हैं उसके आधार पे आप कीजिए। मैं स्कैनर्स रिकमेंड नहीं करता, इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि स्कैनर का आंसर पूरा इंडिया देखता है। ठीक है, तो और स्कैनर ना आपको लाचार बना देता है, कहने का मतलब आप क्वेश्चन देखते हो डायरेक्टली स्कैनर से रट्टा मारते हो, तो वो मत कीजिए। पहले आप उस क्वेश्चन को खुद लिखने का कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं लिख पाते देन लुक फॉर सजेस्टेड आंसर। तो ये एक प्रैक्टिस आपको रखनी बहुत जरूरी है। फिर एक और चीज़ है, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टडी कंपनीज एक्ट, मेक श्योर कि आप एक ऐसा चार्ट बना लें या फिर एक रजिस्टर ले लें, उसमें सेक्शन लिखिए, सेक्शन 2 में ये लिखा है, 3 में ये लिखा है, 4 में ये लिखा है, 5। तो इससे आपको क्या होगा, सेक्शन याद रखने में मदद मिलेगी। जितने ही बच्चे टॉप करते हैं, चाहे पुलक बंसल जी की, आप पुलक बंसल मेरा स्टूडेंट है उसकी आंसर शीट देख लीजिए, जूही की आंसर शीट देख लीजिए, गौरव की आंसर शीट देख लीजिए, नेहा करके एक स्टूडेंट है जिसको 78 आया था, आप उसके आंसर देख लीजिए। इस अटेम्प्ट में लगभग 70-80 बच्चों ने मेरे यहाँ पे कंपनी लॉ में एग्जामिशन लगाया। आपने जो मार्कशीट मैंने शेयर की होंगी, आपने अगर वो देखा हो तो सबसे ज़्यादा एग्जामिशन कंपनी लॉ में थे। ठीक है, तो उन सारे बच्चों की एक ही चीज़ देखिए, सब लोग सेक्शंस कोट करते हैं एग्जाम में, एवरीवन कोट्स क्वेश्चन। तो तीसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको ये दूंगा कि सेक्शंस कोट कीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत खास है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर एकदम अच्छे से करके जाते हैं, शेयर कैपिटल अच्छे से करके जाते हैं, अकाउंट्स ऑडिट अच्छे से करके जाते हैं, बस बाकी सब चैप्टर को ऊपर ऊपर से देख लिया, नीचे नीचे से देख लिया, ये चीज़ करते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। कंपनीज एक्ट के पेपर में मैं बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ कंपनी लॉ के पेपर के लिए बना रहा हूँ बच्चों, एक भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है।
हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से रीड करके जानी। यू नीड टू रीड एवरीथिंग, माइन्यूट से माइन्यूट प्रोविजन आपको रीड करना है। जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट का चैप्टर है मिसाल के तौर पे, हम लोग ना उसको छोड़ के चले जाते हैं, और आप देखिए इंस्टीट्यूट इतनी चालू है उसको पता है कि सब छोड़ के जाएंगे और वहीं से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 मार्क का आंसर लिखना, मतलब 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, वो 230 से 240 वाला चैप्टर ना, वो कौन सा मर्जर अमलगमेशन वाला चैप्टर है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, उसको छोड़ के चले जाते हैं। इंस्टीट्यूट से कंपलसरी 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछती है हर एग्जाम में। ई गवर्नेंस छोड़ देते हैं, ई गवर्नेंस में इस बार प्री सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन आया था। तो कुछ भी मत छोड़िए, डोंट आस्क मी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, बट आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है, हर एक चीज़ डीप में पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़, आप चाहें तो एक आदत डाल सकते हैं कि रोज़ एक सेक्शन पढ़ेंगे और उसकी समरी रोज़ अपने नोट्स में लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन आंसर के अलावा भी आप ये डाल सकते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे रोज़, उस एक सेक्शन की समरी, सेक्शन और रूल्स की जो समरी है वो अपने बुक में लिखेंगे। आप ऐसा भी कुछ प्रोविजन डाल सकते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, बिलीव कीजिए मेरा, आप 70+ स्कोर करेंगे बच्चों कंपनी लॉ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट, एक माइंडसेट रखिए कि यार मैं कंपनी लॉ में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ है, आप फ्यूचर में जो भी काम ऐसे कंपनी सेक्रेटरी करेंगे 70% काम कंपनी लॉ में करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो कंपनी लॉ को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और कंपनी लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि फाइनल का कंपनी लॉ भी एग्जीक्यूटिव में घुसेड़ दिया है। तो अच्छे से कीजिए, मजे से कीजिए बच्चों। लव यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों मैं टेस्ट लेते ही रहता हूँ व्हाट्सएप पे, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है मैं कुछ ना कुछ उनको रिविजन वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो 4x8 34x6 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं भी आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।